नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। 73वें योम जमहूरिया के मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाहपुर की जानिब से मुस्तफ़ा कॉलोनी रूबरू मुस्तफ़ा मस्जिद परचम कुशाई अमल में आई। इस तकरीब में PFI डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुख्तार कुरकुंदी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जमीर शेख, डिस्ट्रिक्ट मेंबर मोहम्मद अयूब नसीरुद्दीन मुंशी के अलावा SDPI के जुम्मेदारान, SDPI स्टेट ट्रेजरर सैयद इसाक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुनीर बागवान, DWC मेंबर रशीद पीर जी, टाउन प्रेसिडेंट फुरकान काजी व दिगर SDPI मेंबरान के अलावा मुकामी आवाम की कसीर तदाद ने शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार किया। मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान में सन 1950 से ये जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इस मुल्क को चलाने के लिए एक दस्तूर की जरूरत पेश आई, क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जात, त्यौहार और जुबानों के जानने वाले लोग रहते हैं। लिहाजा हमारे रहनुमाओं की क़यादत और भीमराव अम्बेडकर की सदारत में हमारे मुल्क को आइन तैयार करवाया गया, जिसके लिए पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, तब कहीं जाकर हमारा दस्तूर अमल में आया। इसके बाद हिंदुस्तान में जमहूरी तर्ज का आगाज़ हुआ। आज का दिन वो दिन है जब हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना। जमहूरियत के मायने हैं अवाम की हुकूमत, अवाम की और अवाम के जरिए हो। हिंदुस्तान की अहम ही वो अवाम है जिसके हाथों में मुल्क का मुस्तकबिल है। आदमी चुनने के जरिए सदर का इंतखाब कर सकता है कि आज इस जश्न के तहरीफ का इस्तेमाल करते हैं और हमारे काम का उन्होंने वतन के खातिर अपने जानों की तस पेश किया, तन मन धन सब कुर्बान किया। इनको बाद खुलूस मोहब्बत सलाम पेश करते हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी तमाम कुर्बानियों को दिन ब दिन मॉब लिंचिंग हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। हर एक आज जो 26 जनवरी आज बहुत जमहूरिया का दिन, बहुत खुशी का दिन है। ये खुशी के दिन के साथ साथ सारे लोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, हर एक इसको बचाने की कोशिश करना है, आगे आकर हर एक इसको बचाने की कोशिश करना है। जैसे हमारे दादा व अजदाद उलमा इकराम ने अपने जानों को कुर्बानी देते हुए इस मुल्क को आज़ाद कराया था, इसी तरह और एक बार चाहे वक्त पड़ा तो हमें अपनी जानों को कुर्बान कर इस हिंदुस्तान को और एक बार बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए तमाम जो सेकुलर माइंड रखने वाले तमाम वो पार्टियां आगे आकर इस हिंदुस्तान को फिर एक बार इस पैसिव ताकतों से बचाने की ज़रूरत है।